हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर। एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां रटना मना है, जहां हम डिस्कस करते हैं हमेशा सुपर कॉन्सेप्ट और हर उस छोटे बेसिक पर जो हमारे सब्जेक्ट को आसान बनाता है, जहां हमारा एक ही मोटो है, फिजिक्स को इतना आसान बनाना है कि फिजिक्स चुटकियों में सॉल्व हो सके। ये जो फिजिक्स का भूत है जिससे हमें डर लगता है, वो डर का भूत भाग जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास एक बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में भी हम डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम लाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। आठ भुजा वाले संभव त्रिभुज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड जो है वो स्मॉल आर है, कोनों पर जिसके वर्टेक्स पर Q2Q चार्ज जो है वो रखे हुए हैं, तो हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उस कंडीशन में, सॉरी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने के लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन ये है कि किसी भी ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड सेम है, जिस पर Q2Q और XQ चार्ज अवेलेबल है, और इसकी जो साइड है वो आर 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 है, भुजाएं आर है। अब इस एक्स की वैल्यू निकालनी है कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूं, स्थिति ऊर्जा बोल सकता हूं, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कह सकता हूं, ठीक है, अलग अलग बोल देते हैं इसको, पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत ऊर्जा कहा जा सकता है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो उस कंडीशन में मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की। इन दोनों चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो वर्क डन की बात की जाए तो शुरू में डब्ल्यू लाने, ये इस क्यू को लाने के लिए डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ठीक है। फिर आप 2Q को लेकर आते हैं, तो इन दोनों के लिए आपको वर्क डन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैंने कहा था आपको, तो मैं डायरेक्ट डब्ल्यू की जगह लिख देता हूँ यू, और इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देता हूँ Q1 Q2, तो देखो Q into 2Q 4πε0R, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। जब आप इस चार्ज को लेकर आते हैं तो आपके को इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप, इसके लिए और इसके लिए। जब एक्स क्यू को लेकर आएंगे तो इस क्यू के अपोजिट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और इस 2Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इस 2Q के विरुद्ध भी आपको कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर 2Q into XQ upon 4πε0r, और अब इन दोनों की बात करें हम तो Q into XQ 4πε0r, तीनों में डिस्टेंस सेम है, साइड सेम है, ठीक है। अब देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए जीरो, फॉर विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, स्थिति ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए, जीरो जाना चाहिए। इस कंडीशन में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यू की जगह में लिख देता हूं जीरो, इसमें कॉमन आ रहा है 1/4πε0r, इसके अलावा और कॉमन है, देखो Q into Q, Q into Q, 2 into Q, इसका मतलब Q into Q, Q square होगा, ये भी कॉमन मिलेगा, तो यहां पर बचेगा आपके पास 2, यहां पर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और यहां पर आएगा ओनली x। अब देखिए इस पूरे को आप इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, नीचे डिवाइड हो गए तो भी जीरो आएगा, तो अब हमारे पास बच जाएगा जीरो। इधर देखिए 2+3x हो गया आपके पास, 2+3x, अब देखिए आपको कोई इधर लाइए -2 3x, एंड x इज इक्वल टू हो गया -2/3, ये x की वैल्यू होगी, तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहीं से एक सवाल और निकलना है, उस सवाल की भी बात मैं बता देता हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, Q 2Q और x की जगह में कुछ भी मान लेता हूं 3Q, है ना। तीनों चार्जेस को इस ट्राइंगल के फॉर्म में रखने के लिए, ये जो त्रिभुज है इसकी तरह रखने के लिए कुल कितना कार्य करना पड़ेगा पूछा जाता है वर्क डन, और इससे हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है किसी भी तरीके से, Q 2Q और 3Q
Q2, Q3, Q4 को इस तरीके से जमाने के लिए, इस ट्रायंगल की तरह रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बोला है सवाल घुमा सकता है। ट्रायंगल में जब चार्ज रखे हुए हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन से ही आती है, कार्य से ही आती है। यदि आपने त्रिभुज में कोई चार्ज रखे हुए हैं, उसकी स्थिति दुर्दा निकाली है, तो वो स्थिति दुर्दा कार्य के बराबर ही तो है। तो इसका मतलब इनको रखने में जो कार्य होता है वो स्थिति दुर्दा होता है, यही हम बात कर चुके हैं। इनको रखने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। आगे मेरी बात सुने, तो वर्क डन पूछे तो भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी पूछे वर्क डन दे रखा हो तो भी आपको वही बात है, चाहे वर्क डन दे चाहे पोटेंशियल एनर्जी दे, बात सेम है। कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो स्किप करना पड़ता है, और स्किप हमारे को नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटना बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2 भुजा के वर्ग के कोणों पर 100 माइक्रोकुलाम, -50 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम और -60 माइक्रोकुलाम है। वर्ग के केंद्र पे कुल विभव निकालना है, स्क्वायर दे रखा है, उसके जो वर्टेक्स है वहां पे 100 माइक्रोकुलाम, -50 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम और -60 माइक्रोकुलाम दे रखा है, जिसकी साइड इतनी है √2 मीटर। फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, हमें सेंटर पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो फटाफट जैसे करना होता है मैं आपको बना के बता देता हूँ फटाफट। ये एक स्क्वायर सपोज करो, तो आपके पास दे रखा है 100 माइक्रोकुलाम और यहाँ दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम, -50 माइक्रोकुलाम, -60 माइक्रोकुलाम। सेंटर पे चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर वर्ग से जो ये है आपके स्क्वायर में, यहां से यहां तक की जितनी डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, डायगनल्स भी, ये जो विकर्ण होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो सबसे पहले मैं डायगनल निकाल लेता हूँ, साइड दे रखे √2, √2, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो आराम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री बनता है। तो देखो √2² + √2² √2² 2 होता है, यहां भी 2 होता है, 4 होता है, 4 का कितना होता है, ठीक है। अदरवाइज आप डायगनल निकालना चाहे तो डायगनल इज इक्वल टू होता है √2 × साइड, तो डायगनल इज इक्वल टू √2, साइड भी √2 है, तो हमारे पास हो गया है 2। तो यहां से यहां तक 2 है, मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, आधा आधा कर दिया हमने, ठीक है। 2 पूरा है डायगनल, तो 1 1 1 1, ठीक है, विकर्ण आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें फॉर्मूला चाहिए V का, टोटल पोटेंशियल, तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, Q1/4πε₀r², ठीक है। प्लस वाले का पोटेंशियल प्लस का होगा, माइनस वाले का माइनस का होगा, तो 1 और 3 प्लस में है, 2 और 4 माइनस में, तो ये माइनस में जाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं -Q2/4πε₀r² +Q3/4πε₀r³ इस चार्ज के लिए 20 माइक्रोकुलाम जो कि प्लस का है, -Q4/4πε₀r², ठीक है। इनमें से कॉमन क्या क्या है, 4πε₀ ये r₁ r₂ r₃ r₄, ये कॉमन है, क्योंकि 1 1 1 1 डिस्टेंस सेम है सबकी, तो डिस्टेंस सेम है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/4πε₀, और ये r₁ r₂ r₃ की बजाय मैं लिख देता हूँ ओनली r। आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिनको सॉल्यूशन करना नहीं आता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स ट्रिकी यूज करते हैं, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं, इतने कठिन तरीके से करते हैं, उन्हें बहुत टाइम लगता है। तो फटाफट करने के लिए ही मैंने ये सब बताना स्टार्ट किया था कि आप फटाफट फटाफट करें, जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे आदत डाले, आपको खुद ब खुद आइडिया आने लग जाएगा कि किस तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कॉमन ले लिया Q1, Q2, Q3, ये सब बताए यहाँ पर, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 है 100 माइक्रोकुलाम, -Q2 कितना है 50 माइक्रोकुलाम। अब साथ में माइनस मत लिख देना यहाँ पर, वरना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने 10 बार कहा है आपको कि कभी भी साइन यूज नहीं करते, ठीक है। तो आगे देखिए बात करते हैं, यहाँ पे आया 50 माइक्रोकुलाम, फिर 20 माइक्रोकुलाम है, 20 माइक्रोकुलाम, और फिर 60 माइक्रोकुलाम है, तो 60 माइक्रोकुलाम। देन V इक्वल्स टू 1/4πε₀r, सॉरी r को लिखना ही भूल गया था, 1/4πε₀ की वैल्यू होती है
9 इंटू 10 टू पावर 9, नीचे आज है और आज की वैल्यू है 1, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1। आगे देखिए 100 और 20, 120 होते हैं, 50 और 60 110 होते हैं, 120 में से 110 माइनस करेंगे तो 10 माइक्रो कूलम बचने वाला है आपके पास, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 10, और माइक्रो माइक्रो यानी 10 टू पावर माइनस 6 10 की घात माइनस के 6, तो v इक्वल टू 9 और 10 मिलकर हो जाएंगे 90, और यहां पर 10 की पावर माइनस 9 में से 6 चला गया तो आपके पास बच गया 10 की पावर 3। ओके ना, फटाफट, ना कोई टेंशन ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, फटाफट 2 सेकंड में सॉल्व। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका जरूरी है। आइए नेक्स्ट देखिए, बड़ा ही आसान तो सवाल है बट बड़ा ही घुमाने वाला भी सवाल है, ऐसे कुछ और सवाल भी मैं लाने वाला हूं हर वीडियोस में हर क्लास में, तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल को। देखो R1 R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर है, दो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है जिनकी रेडियस है R1 है R2, जिनका पोटेंशियल सेम है R एट द सेम पोटेंशियल, उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात निकालिए, हमें उनका रेशियो निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का अनुपात निकालना है। दिया हुआ क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इनका पोटेंशियल सेम दिया हुआ है, मतलब V1 इक्वल्स टू V2, मतलब Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, आगे देखो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन उठा देगा, अभी इतना ही 4 पाई से 4 पाई नहीं जाने दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है σ1 अपॉन σ2, और सिग्मा जो होता है वो होता है Q1 अपॉन A1 और Q2 अपॉन A2, तो मुझे A बनाना है। अब देखो ऊपर और नीचे R से मल्टीप्लाई करता हूं तो R1 Q1 4 पाई एप्सिलॉन तो हट गया है, R1 ऊपर भी R1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी R1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी R2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी R2 से मल्टीप्लाई, तो R1 R1 में क्यों बनाएंगे R2। यहां पर बात करूं मैं Q2 R2 4 पाई और एक R2 यहां पर है, एक R2 पहले से है तो R2 2, 4 पाई R2 एरिया को बताते हैं, सरफेस एरिया को, क्षेत्रफल को, है ना, पृष्ठ के क्षेत्रफल को, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा Q1 R1 4 पाई R2 यानी एरिया A1, Q2 R2 4 पाई R2 2 यानी A2। अब देखिए Q अपॉन A सिग्मा होता है σ1 और यहां पर मेरे पास आ गया R1, Q2 अपॉन A2 σ2 और यहां पर आ गया मेरे पास R2, ये मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, समझ गए, मुझे σ1 और σ2 का रेशियो चाहिए था तो σ1 रेशियो σ2 अबे इसको यदि मैं इधर लेके आता हूं तो इसको मुझे यहां लेके जाना पड़ेगा और रेशियो जाएगा R2 अपॉन R, σ1 अपॉन σ2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R, आ गया, ये इनका रेशियो आ गया। कुछ ऐसे सवाल मैं आपको बताने वाला हूं कल की क्लास में, आज की क्लास में ये सवाल आएंगे, इसके अलावा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बड़े ही हाई लेवल एग्जाम IIT नीट CBSE टाइप के जो एग्जाम है, NCERT वालों के तो आते हैं इस टाइप के एग्जाम, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इनमें भी आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, एयरफोर्स में भी आएंगे, इनमें भी आते हैं। जब कोई बड़ी चीज को हम टुकड़ों में तोड़ दे, जैसे किसी बड़े पत्थर को या स्पेयर को, मैंने जिस पे कोई चार्ज दे रखा है उसको छोटे छोटे स्पेयर में तोड़ दिया है या छोटे छोटे स्पेयर को मिला के बड़ा स्पेयर बना दिया है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस, विभव, स्थिति ऊर्जा और धारिता किस हिसाब से बदलती है, किस हिसाब से चेंज होती है, क्या फॉर्मूला होने वाला है, ये हम पढ़ने वाले, तो दिल काम के बैठना कि कल की क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है। ये टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आते हैं बट बुक्स के अंदर कहीं पर भी इनका सॉल्यूशन और इनका जिक्र नहीं होता है, तो कल की क्लास में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आपको पुराने जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर करने हैं ताकि जब कल की क्लास हम स्टार्ट करें, डिस्कस करें, तो बड़ा ही मजा आए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।